दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के ऐसे हैक्स जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ऐसी जगह जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा, ये हैक्स काम आने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आप ट्रेडिंग में यूज करते हैं और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको यहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने में आपकी ये हेल्प करने वाला है और आप एक राइट साइड की तरफ ट्रेड कर पाएंगे। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि ब्रेकआउट होते हैं और आप वहां पे ट्रेड करते हैं, आप फंस जाते हैं, आपका एसलहंट हो जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको आपको जरूर पहचानना चाहिए और उस पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है मोर देन 90% होती है एक्यूरेट। अगर आप उसको ट्रेड करते हैं देन आप स्कैल्प करके या फिर अच्छे खासे ट्रेड को कैच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, पहले हैक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको आपको ध्यान से देखना है और आपको इसको यूज भी करना है जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। पहली बात, आप इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम हो, ठीक है। जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करते हैं 3 मिनट 5 मिनट तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही टाइम फ्रेम यूज करना है इन हैक्स को यूज करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले हैक से और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि जहां पर भी मार्केट ब्रेकआउट देने जाता है तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हैक्स कौन सा है। तो नंबर वन यहाँ पे जो हैक्स रहने वाला है ब्रेकआउट से रिलेटेड, जो भी मार्केट में ब्रेकआउट आते हैं उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है, ठीक है। तीन क्राइटेरिया अगर आप समझ लेते हैं ब्रेकआउट होते समय देन आप यहाँ पे इसको आराम से पहचान पाएंगे। पहला क्या है, ब्रेकआउट जब भी मार्केट करने जाता है अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट जा रहा है सीधा सीधा और वहां पे ब्रेकआउट कर लिया है तो आप इसको मान के चलिए इसकी एक्यूरेसी 80% है कि ये फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट होते हैं मार्केट में सीधा सीधा वो क्या है, फेल ही होते हैं। तो नंबर वन हैक क्या है आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट सीधा सीधा ब्रेकआउट करेगा कोई भी एक रेजिस्टेंस को, वहां पे मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा आपको, ठीक है। अब दूसरा यहां पे हम लोग हैक देख लेते हैं दोस्तों। ये तो हो गई पहली कंडीशन, जब भी मार्केट आपको ट्रैप करेगा आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपको क्या देखना है कि जब भी मार्केट कोई भी एक रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो क्या वहां पे समय बिता रहा है रेजिस्टेंस पे। ऐसा नहीं कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए वहां से शॉर्ट फॉल कर दे फिर से ऊपर जाए तब आप वहां पे बाई करें, ऐसा नहीं करना है। मार्केट अगर यहां पे ऊपर जा रहा है और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है देन आपको क्या देखना है कि मार्केट यहां पे समय बिताना चाहिए। समय बिताने से मतलब क्या है कि अप्रोक्स यहां पे जो भी आपने टाइम फ्रेम यूज किया है उसका यहां पे 5 से 6 गुना टाइम फ्रेम यहां पे आप यूज करेंगे, उतना समय स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है इस चार्ट के अंदर, तो अगर कोई भी ब्रेकआउट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो रहा है तो वहां पे आपको क्या देखना है कि अप्रोक्स 5 कैंडलस्टिक यहाँ पे बननी चाहिए जब भी ब्रेकआउट होने जा रहा है, या फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, कम से कम आधा एक घंटा साइडवेज हो, देन यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट आएगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी सक्सेसफुल होने की, वहां पे आप ट्रैप नहीं होंगे। वो क्या होगा कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा उसमें आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ब्रेकआउट की पहली कंडीशन क्या है, अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है वो आपको यहाँ पे फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है। एज आप ऑप्शन बायर आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आप लॉस करने वाले हैं अगर आपने इस टाइप के सेटअप में आपने ट्रेड किया तो, जो सीधा ब्रेकआउट होता है। आपको क्या करना है कि जहां पर भी मार्केट रुकेगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये आप दो कंडीशन याद रखिएगा, जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप इसका यूज कर पाएंगे। थर्ड यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अंदर जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो अपना थर्ड हैक रहने वाला है, देखिए ये क्या है, ब्रेकआउट का थर्ड हैक है। ऐसे ही हम आपको बताएंगे जो कि आपकी यहाँ पे एनालिसिस में मदद करने वाले हैं इन हैक्स के यूज से आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा आपको क्या देखना है, जब भी ब्रेकआउट आएगा वहां पे आपको क्या देखना है कि प्रीवियसली ट्रेंड क्या था, ठीक है। प्रीवियसली ट्रेंड से कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड में बेरिश है, ठीक है, बेरिश है एंड यहाँ पे क्या है नीचे सपोर्ट है और मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, तो ऐसे जो कंडीशन रहेंगे, ऐसा जो सेटअप रहेंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत ही ज्यादा होगी सक्सेसफुल होने की, क्योंकि पहले से जो भी मार्केट में ट्रेंड रहा है प्रीवियसली वो क्या है, निगेटिव ट्रेंड रहा है, आई मीन यहाँ पे बेरिश ट्रेंड रहा है, ठीक है। अगर मार्केट पहले से यहाँ पे ऊपर जा रहा है और कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है फिर से ऊपर जा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड था पॉजिटिव था, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है सस्टेन करता है समय बिता के देन यहाँ पे आप अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे क्या है, देखिए रेजिस्टेंस पे है और मार्केट ऊपर गया और आपने वहाँ पे सेलिंग की पोजिशन बनाने का प्रयास किया तो आप वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे।
ठीक है, तो तीन कंडीशन आप याद रखिएगा, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्या है, अगर मार्केट सीधा सीधा ब्रेकआउट करेगा आपको ट्रेड नहीं करना है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे जाएगी या फिर सपोर्ट पे जाएगी, वहां पे समय स्पेंड कर रहा है, इसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है, आप उसको जरूर प्ले करेंगे। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो हैक्स रहने वाला है कि प्रीवियस मार्केट का ट्रेंड क्या है उसको आप जरूर ऑब्जर्व करिए कि मार्केट पहले कैसा चल चुका है, उसका बिहेवियर क्या है, तो उसी के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और जो आपके अन्य सेटअप हैं उनसे। ठीक है, ये आप अपने हैक्स यहाँ पे समझ लिए ब्रेकआउट रिलेटेड। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैक्स जो कि आपको पता शायद नहीं होंगे अभी तक। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे सपोर्ट होता है, ये क्या अपना सपोर्ट, ये अपना रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको एक चीज गौर से देखना है, क्या देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है अपने रेजिस्टेंस एरिया पे की लेवल पे, और यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे ग्रीन बन गई। ठीक है, फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे ग्रीन बन गई, लेकिन क्या हुआ अचानक यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे आया एंड सेकंड रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज कर गई। इसके नीचे प्रीवियसली कैंडलस्टिक के नीचे एक रेड कैंडलस्टिक नीचे क्लोज कर गई। यहाँ पे आपको क्या देखना है, तुरंत इमीडिएटली आपको उसी साइड में ट्रेड करना है डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट आया ना ये बिल्कुल फेक ब्रेकआउट है और इसको सेलर्स ने ग्रैब कर लिया है। यहाँ पे मार्केट पे सीधा नीचे आने वाला है, ये आपको हैक्स पता होना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट आएगा रेजिस्टेंस के लेवल पे देन आपको ये देखना है। अब क्या है कि ये सक्सेसफुल कब होगा, ये आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, सेकंड भी यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बन जाती है और उसकी क्लोजिंग प्रीवियसली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर हो जाती है, देन आप यहाँ पे मान के चलेंगे ये मोमेंटम ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैक वन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा तो आपको क्या करना है। फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे रेड बनी, सेकंड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्या बन गई, ग्रीन बन गई, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है कॉल की साइड में, इतना ऐसा लग गया। ठीक है, अगर यहीं पे क्या हो कि दो कैंडलस्टिक यहाँ पे रेड बन गई सपोर्ट के नीचे, जो यहाँ पे अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते उसकी यहाँ पे हम बात करें, जैसे आप प्यूट पॉइंट लगा के यूज कर सकते हैं, सीपीआर लगा के यूज कर सकते हैं और आप इस सेटअप पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज करेगी, सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हो गई, तो आपको क्या करना है ऊपर की साइड में ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया, दो कैंडलस्टिक यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी, एक ग्रीन बनी, सेकंड यहाँ पे रेड बन गई, उस साइड में आपको पुट की साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैक्स पता चल गए होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी रिलेटेड, शायद आपको ये पता नहीं होंगे पहले। अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझेंगे इसके पीछे की, तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कैंडलस्टिक की भी साइकोलॉजी, इसके बाद हम आपको एक और अच्छी चीज बताएंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक से रिलेटेड आपको क्या याद करना है जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो देखिए आपने बहुत सारी कैंडलस्टिक को सीखा भी होगा, यूज भी किया होगा और आपको पता भी होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, और आपने थ्योरी भी पढ़ा होगा अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपने उसको प्रैक्टिस किया हो, बैक टेस्टिंग किया हो, और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। कैंडलस्टिक सिंपल होती क्या है, यहाँ पे बायर सेलर का प्रेशर यहाँ पे आता है, कहाँ पे क्लोजिंग आई है वो डिसाइड करता है कि ये जो कैंडलस्टिक बनी है ग्रीन बनी है फिर रेड बनी है, ग्रीन बनी है उसमें क्या है बायर्स का प्रेशर है, अगर रेड बनी है वो क्या है सेलर्स का प्रेशर है। जहां पर भी ओपनिंग हुई है उसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है तो ग्रीन हो जाती है, ओपनिंग के अगर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो वो रेड कैंडलस्टिक हो जाती है। इतना तो बेसिक आप सभी को पता है। अब यहाँ पे इसके बीच में क्या साइकोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए। आपने क्या है बहुत सारी कैंडलस्टिक देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए रिवर्सल कैंडलस्टिक भी होते हैं, कंटिन्यूशन भी कैंडलस्टिक होती हैं, वो सारी होती हैं, लेकिन कैंडलस्टिक को कहाँ पे यूज करना है और कौन से टाइप की कैंडलस्टिक को आपको यूज करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या होती हैं फील्ड कैंडलस्टिक होती हैं, कुछ अनफील्ड कैंडलस्टिक होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं कि फील्ड और अनफील्ड कैंडलस्टिक क्या होती हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग करते समय हैक्स के लिए। देखिए कैंडलस्टिक में क्या होती हैं, कुछ फील्ड कैंडलस्टिक होती हैं और कुछ अनफील्ड कैंडलस्टिक होती हैं। ठीक है, ये क्या है अपनी कैंडलस्टिक है एंड यहाँ पे फील्ड अनफील्ड कैंडलस्टिक, इसमें अंतर क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फील्ड कैंडलस्टिक उसको कहते हैं जिसमें यहाँ पे मोर देन 80% बॉडी होती है। आप यहाँ पे याद रखिएगा रूल, 80% यहाँ पे बॉडी होती है इसमें फील्ड कैंडलस्टिक के अंदर, और यही इसके अपोजिट क्या होता है जिसके अंदर
80% यहाँ पे वीक होती है, शैडो होती है। वीक शैडो तो आपको पता होगा ना कि जब भी कोई भी कैंडलस्टिक बनती है, ओके ऐसे बनती है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे विक जो बनी है लंबी बन गई है, जिस जैसा कि यहाँ पे इसकी बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी बनी हुई है ये 20% है। जैसे ये 100 पॉइंट की कैंडलस्टिक बनी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 20 पॉइंट का जो होगा इसका क्या होगा, बॉडी होगा। अगर 80% यहाँ पे विक बनी हुई है उसको हम अनफिल्ड कैंडलस्टिक कहेंगे, यानी ये पूरी फिल्ड कैंडलस्टिक नहीं बनी हुई है। और फील्ड कैंडलस्टिक में क्या होती है, जो फुल बॉडी कैंडलस्टिक बनती है उसको यहाँ पे फील्ड कैंडलस्टिक कहते हैं। सिंपल पहले आप ये देखेंगे। अब यहाँ पे इसको यूज कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको हेक्स पता लगेंगे कहाँ पे। सबसे पहले अगर आप कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक का यूज करने जा रहे हैं, वहां पे आपको क्या देखना है कि मार्केट सपोर्ट पे होना चाहिए। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी मोर देन यहाँ पे 70% रहने वाली है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे खोजते हैं एक सपोर्ट लेवल पे, तो वहां पे क्या होता है कि आप छोटे से ऐसे लगा के आप कैंडलस्टिक को ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला है। यही क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक देखते हैं तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको कौन सी कैंडलस्टिक मिलनी चाहिए सपोर्ट पे, पहली वे कैंडलस्टिक जो भी यहाँ पे क्या है फुल बॉडी कैंडलस्टिक बन जाती है। जैसे सपोर्ट पे अगर कोई भी फुल बॉडी कैंडलस्टिक बन गई, दो कैंडलस्टिक क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, ऐसा लगा के अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाएगा। यही क्या है कि अगर आपको अनफिल्ड कैंडलस्टिक मिल गई, लेकिन जो अनफिल्ड कैंडलस्टिक हुई है उसमें प्रेशर क्या है, नीचे से ऊपर आना चाहिए, ठीक है, नीचे से ऊपर प्रेशर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि बायर यहाँ पे एग्रेसिव है और मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, क्लोजिंग ऊपर हो गई है, यहाँ पे बायर एग्रेसिव है, आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर वाले साइड में। अब यही क्या है कि अगर आपको सपोर्ट पे इस टाइप की कैंडलस्टिक मिल जाए, यानी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ये क्या है तो बहुत ही बेरिश कैंडलस्टिक मानी जाएगी, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ज्यादा होगी ब्रेकआउट होने की डाउन साइड में, ठीक है। तो कैंडलस्टिक में आपको यही यूज करना है, कौन सी चीज, फील्ड कैंडलस्टिक कहाँ पे बन रही है, अनफील्ड कैंडलस्टिक कहाँ पे बन रही है, फुल बॉडी कैंडलस्टिक सपोर्ट पे चाहिए, फिर रेजिस्टेंस पे चाहिए, तो आपको ऐसे यूज करना है। आप यहाँ पे तरह तरह के कैंडलस्टिक देखते होंगे, बुलिश इनगल्फिंग है, अपने यहाँ पे शूटिंग स्टार है, हैमर है, और बहुत सारी कैंडलस्टिक है। लेकिन अगर आप नाम यहाँ पे रटने लगेंगे तो आप यहाँ पे शायद इसका यूज ना कर पाए, आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी यूज करना है कि इसमें कैंडलस्टिक में हो क्या रहा है। जैसे कोई भी कैंडलस्टिक बनती है तो क्या होती है, ऊपर नीचे होकर उस वहाँ पे क्लोजिंग देती है, देन वहां पे क्या किया जाता है उसका हाई लो मार करके एक कैंडलस्टिक बन जाती है, तो वहां पे हम लोग उसका यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ब्रेकआउट को कैसे यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसका आपने हैक्स देख लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने तीन बताए थे, आप क्या रिवाइज करके फिर से देख लेना। सेकंड यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, जो अपना SNR लेवल होता है उसको कैसे यूज करना है, उसके पीछे की माइंडसेट क्या है वो आपको हमने बताया, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमने क्या बताया, कैंडलस्टिक के पीछे का जो साइकोलॉजी होती है उसमें हमने बताया। तो आपको यहाँ पे अप्रोक्स 7 से 8 हैक्स पता चल गए हैं मल्टीपल, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाएं तो यूज करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हैक जो कि हम आपको एडवांस में बताए दे रहे हैं, RSI का हैक। RSI का बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूज, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, वही सिंपल सी चीजें देखते हैं, वो क्या है आपको नहीं देखना है। देखना क्या है आपको, जहां पर भी मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मिनिमम तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना ही चाहिए, अब आप इससे ऊपर लगा सकते हैं, और मार्केट में कहीं पर भी डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, ये प्रीमियम चीजें जो कि हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करें, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए जहां पर भी टॉप बन रहा है और RSI क्या है नीचे ड्रॉप हो रहा है, कि मार्केट जब भी यहां पे ऊपर था, देखिए ये जो अपना हाई लेवल लगा है, और उस समय क्या था कि RSI का लेवल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50 था, और फिर से जब मार्केट हाई लगाने गया, लेकिन जो RSI की वैल्यू थी ये ड्रॉप होकर यहाँ पे 30 रह गई, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक डाइवर्जन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट होएगा अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल, तो ये फेल हो जाएगा, आप इसको प्ले नहीं करिए, इसमें रिस्क ज्यादा है। डाउन साइड में अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है अच्छा खासा, रिवर्सल कैंडलस्टिक यहाँ पे टॉप पे बन रही, आप प्ले करिए, बहुत ही अच्छा आपको मोमेंटम मिलेगा RSI डाइवर्जन के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे हैक्स होते हैं, अगर आपको ये सब देखना है तो आपके कमेंट करिएगा, तो हम आपको डिटेल में ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, और आप इसका सिंपल यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग करते समय, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको पता होना चाहिए कि RSI का कैसे यूज करते हैं, और सिंपल तरीके आपको पता होना चाहिए। अब क्या है कि आप चाहे इंडिकेटर यूज करें, कुछ भी यूज करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइज एक्शन, और प्राइज एक्शन के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर,
ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तब तक क्या आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। छोटे मोटे ट्रेड को आप यहाँ पे कैच कर पाएंगे स्कैल्प, अगर बड़े ट्रेड्स कैच करना है देन आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान रखेंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है, मार्केट स्ट्रक्चर से सिंपल मतलब क्या है कि मार्केट वहां पे जब भी जाता है कोई भी एक स्पेसिफिक लेवल पे तो वहां पे क्या हो रहा है और प्रीवियसली क्या हुआ था। ठीक है, सीधा आप यहाँ पे एक साथ यहाँ पे समझ लीजिए, जो प्राइस एक्शन होता है और जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, केवल कुछ चेंजेस होते हैं। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपने उसको सही से सीख लिया है, आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंडिकेटर को कोई भी आप यूज करिए आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको यूज करते हैं देन आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी मिलने वाली है और आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस में आपकी कमजोरी है ये फुलफिल कर देगा। क्या है मार्केट मैग्नेट एल्गो इंडिकेटर, आप क्या कर सकते हैं सिंपल वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए भी ऑफर में आपको मिल जाएगा और आप परफेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट बता देता है कि कॉल कहाँ पे बाई करना है, पुट कहाँ पे बाई करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे पुट का यहाँ पे सिग्नल है, मार्केट ने यहाँ पे एग्जिट करा है। ठीक है, तो ऐसे आप मोमेंटम कैच कर सकते हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी अगर आप प्ले करते हैं मार्केट में तो दो चार लॉट तो आप यहाँ पे यूज करिए, परफेक्ट आपको चलेगा। और सिग्नल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है कहाँ पे आपको निकलना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंडिकेटर को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको टॉप पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।